हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटरटेनमेंट स्पाइसेस। मैं हूं आपके साथ अनामिका। दोस्तों, गदर 2 देखने के बाद हर कोई सनी देओल का फैन हो चला है और ऐसे में फिल्म मेकर नितेश तिवारी भी अपनी फिल्म में सनी देओल को लेना चाहते हैं। इनकी अपकमिंग फिल्म का नाम है रामायण, जिसमें सनी देओल को एक पौराणिक किरदार दिया जा रहा है और उस किरदार के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और जो बड़ी बात है वो ये कि इस फिल्म में रणबीर कपूर भी नजर आएंगे। रणबीर कपूर इस फिल्म में राम का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो सोचिए आप, सनी देओल को इस फिल्म में कौन सा कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया होगा? आप बिल्कुल सही समझे, सनी देओल को इस फिल्म में हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सनी देओल बॉलीवुड में एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर देखे जाते हैं और उसके साथ ही गदर 2 में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, वो रामायण में हनुमान का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बिल्कुल तरीके से सही फिट बैठेगा। और साथ ही आपको ये बता दें कि सनी देओल इस फिल्म में काम करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। सनी देओल भी इस फिल्म में काम करना चाहते हैं। सनी देओल ने इस फिल्म के लिए हामी भरी है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में जहां नजर आएंगे, तो वहीं साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में नजर आ सकते हैं। अगर आप हमारी बात पे यकीन रखेंगे तो आपको ये भी बता दें कि सनी देओल ने फिल्म का हिस्सा बनने और हनुमान का रोल निभाने में अपनी शुरुआती सहमति जता तो दी है और साथ ही हनुमान जी शक्ति और बल का प्रतीक है। तो मेकर्स को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर सनी देओल से बेहतर हनुमान के रोल को कोई और जस्टिफाई नहीं कर सकता। जिस तरह से सनी के रोल्स को हमने अब तक देखा है, सनी को इस रोल के लिए अप्रोच करना बिल्कुल तरीके से सही बैठता है। आपको बता दें कि फिल्म गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा तो अपनी फिल्म की तुलना वैसे भी रामायण से कर चुके हैं और अनिल के अनुसार गदर एक प्रेम कथा असल में रामायण से प्रेरित थी। अनिल ने गदर 2 की सक्सेस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि गदर क्या है, पहली गदर रामायण ही थी। राम जी सीता को वापस लाने के लिए लंका जाते हैं। मुझे लगा कि ये रामायण है, ये फ्लॉप नहीं होगी क्योंकि ये लोगों के दिलों में बसती है। वेल, दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि सनी देओल इस फिल्म में हनुमान के रोल को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर रामायण में सनी देओल को अगर कोई और किरदार दिया जाए तो कौन से किरदार में सनी देओल फिट बैठेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।